पाक पसंद आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले जो मिश्रण है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून सौंफ डाल देती हूँ। मैं अगर आपके पास लखनवी सौंफ है तो आप उसी का उपयोग कीजिएगा, पर मैंने यहाँ पे सादी वाली जो सौंफ आती है वो ली है। 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, मैंने इसके अंदर जो नागरवेल के पान आते हैं जो हम पान में खाते हैं वो लिए हैं, उसकी जो डंडी होती है वो हमें निकाल लेनी है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल रही हूँ, इससे हमारा मिश्रण बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लूँगी। मैंने मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका रंग आया है और मिश्रण अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून गुलकंद डाल देती हूँ। ये गुलकंद मैंने घर पे बनाया है और इसका रेसिपी मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हम घर पे गुलकंद कैसे तैयार कर सकते हैं। सारी सामग्री को ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम आइसक्रीम बना लेते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 2 कप जो आइसक्रीम का बेस है वो ले लिया है। जैसे मैंने आपको आगे सिखाया है बिल्कुल वैसे ही बीट किया हुआ आइसक्रीम लिया है मैंने। इसके अंदर मैं 1/4 कप जो केक सजाने वाला क्रीम होता है व्हिपिंग क्रीम वो डाल देती हूँ। और इसके अंदर अभी हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। अब मैं सारी सामग्री को बीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रंग की हमारा मिश्रण तैयार हुआ है। दोस्तों अगर आपको इसमें कलर कम लगे तो आप इसमें कलर और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इस प्रकार से ही आइसक्रीम को तैयार करती हूँ। ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। हमारा सारा मिश्रण तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पान एसेंस लिया है, ये बहुत ही डिलीशियस इससे टेस्ट आएगा। मैं हमेशा ये फैब कंपनी का ही यूज़ करती हूँ। 1 टीस्पून पान एसेंस, मैं इसे बीट कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ। टूटी फ्रूटी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। दो टेबलस्पून काजू के टुकड़े। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पान का आइसक्रीम तैयार हो चुका है। अब मैं इसे मोल्ड के अंदर डाल देती हूँ और इसे सेट कर लेंगे। मैंने प्लास्टिक के मोल्ड को ग्लास के अंदर डाल दिया है और अभी हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा मिश्रण रेडी हुआ है। अब मैं इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगा देती हूँ और इसे फ्रीजर के अंदर करीबन 9 से 10 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। पान का आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। मैं इसे अनमोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये प्लास्टिक में से निकल आता है। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ही कट करके सर्व कर सकते हैं, पर मैं आपको मेरे घर में जैसे मैं बनाती हूँ वो सिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ले ली है, ये करीबन 1/4 कप जितनी टूटी फ्रूटी है, उसे मैं हमारा जो पान का आइसक्रीम है उस पर लगा दूँगी। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसे करिएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए हम आइसक्रीम के ऊपर टूटी फ्रूटी लगा देंगे। मेरे पास ये ड्राई कोकोनट के फ्लेक्स हैं वो मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़े से काजू के टुकड़े लगा दूंगी। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए हम इसके ऊपर जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो लगा देंगे। हमारा मिश्रण अच्छे से कोट हो चुका है। अब मैं इसे एक ट्रे के अंदर फ्रीजर के अंदर करीबन 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखूंगी। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर अच्छे से उसके पीसेस कट होंगे। ये देखिए दोस्तों,
मैंने ये रोल को बाहर निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। इसके ऊपर मैं वर्क लगा देती हूँ। मेरे पास ये पिंक कलर की वर्मसली है, वो लगा देती हूँ। और थोड़े से मेरे पास ये येलो बॉल्स हैं, वो लगा दूंगी। हमारा टेस्टी यम्मी डिलीशियस पान पसंद आइसक्रीम बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। आप इसे बनाइए और अपने सारे परिवार को खुश कर दीजिए।